ओके देन लेट्स स्टार्ट विद लेट्स क्रैक। हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ टुप्रियाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 के बारे में, जो आप लोगों का नेक्स्ट मंथ इसका एग्ज़ाम है। इसका एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा आप लोगों के लिए किया जा रहा है, एक छोटा सा स्ट्रेटर्जी आप लोगों के लिए है। आई होप ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी और आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए काफ़ी बेनिफिट आप लोगों को इसमें मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देखना लास्ट तक। इसमें मैं आप लोगों को दो ऑप्शन दूंगा जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो सकती है, जहां से आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम को क्रैक करने में, ठीक है। तो टीजीटी आर्ट्स 2020 नेक्स्ट मंथ आप लोगों का एग्ज़ाम है, एक छोटा सा प्रयास लेट्स क्रैक के द्वारा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का जो ये एग्ज़ाम है पूरा 170 MCQs आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ इस तरह के आप लोगों को टॉपिक रहेंगे। 120 में आप लोगों को जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स आप लोगों का, पॉलिटी और साइकोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं ऑलरेडी आप लोग क्वालिफाई हो HP टेट आर्ट्स, आप लोगों ने टीचर एलिजिबिलिटी अगर क्रैक किया है, तो TGT आर्ट्स निकालना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा इस एग्ज़ाम में, और ये एग्ज़ाम आप लोगों का एक बेसिक लेवल का नहीं है, एक आप लोगों की अच्छी पोस्ट का लेवल है और एक सम्मानजनक आप लोगों की पोस्ट है, जो आप लोग एक देश के भविष्य के लिए काम करेंगे, आप लोग बच्चों का तैयार करेंगे आने वाले समय की जनरेशन को एक अध्यापक बनकर, एक टीचर बनकर और एक गुरु बनकर। तो उसी के रिगार्डिंग आप लोगों से मैं साथ में थोड़ी सी बातें इसमें शेयर करूंगा, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ इस चैनल से आप लोगों को 70% आप लोगों का TGT आर्ट्स का जो पे सिलेबस है 70 to 90% वो यहीं पे देखने को मिलेगा, और एग्ज़ाम से पहले पहले ही यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिसमें हाल ही में मैंने मेडिवल हिस्ट्री कम्प्लीट करवाई है, अगर आप लोग उसको फॉलो करते हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। तो बात करेंगे 120 क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं, जिसमें आप लोगों का जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी की जो क्लासेस हैं आप लोगों की, इसमें मैं फ्री दूंगा हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी की, साइकोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों को जस्ट MCQs मिलेंगे, वो भी डिटेल में। डेली के आप लोगों को MCQs मिलेंगे रात को 8 बजे, प्लीज़ ध्यान रखें। इवनिंग में 8 बजे आप लोगों की क्लास होगी, जिसमें आप लोगों को साइकोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड जो आप लोगों का टॉपिक है, इसके ऊपर डिटेल 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इसमें 70% सिलेबस आप लोगों का मेरे द्वारा करवाया जाएगा और आप लोगों का 30% मैम के द्वारा करवाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जियोग्राफी, जियोग्राफी में मैं आप लोगों को मैप के थ्रू इंडियन जियोग्राफी सिखाऊंगा, किस तरह इसके क्वेश्चन बनते हैं, और आज तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितने भी उसके क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। हिस्ट्री 3 पार्ट में आप लोगों की डिवाइड रहती है, एंशियंट, मेडिवल और आप लोगों की मॉडर्न। तो मेडिवल हिस्ट्री जो आप लोगों की है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं इसी चैनल में, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोगों ने प्लीज़ उसको देखना है। कल से आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री इसके ऊपर मिलेगी, और जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगी आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री भी इसके ऊपर ही देखने को मिलेंगी। अदरवाइज़ आप लोगों को एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री सेम डे लेक्चर मिल जाएंगे इसके, ठीक है। पॉलिटी के ऊपर टोटल अभी तक हमारे लेक्चर हो चुके हैं 7, तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको देख लेना, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। और 8वां लेक्चर आप लोगों को कल देखने को मिल जाएगा, और वहाँ से आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे मेरे कुछ फ्री कोर्सेज चले हैं, जिसमें मैंने तहसील वेलफेयर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वालों के लिए है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो आप लोगों का टेट आर्ट्स है और आप लोगों का जो TGT कमीशन है, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे बैच कंप्लीट हो चुके हैं। पहले मार्च तक, अप्रैल तक मैंने इसके ऊपर बैच दिए थे, और लास्ट ईयर भी इसके ऊपर मैंने बैच दिया था, जो कि टेट आर्ट्स के ऊपर था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर। उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, काफ़ी स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट हुए थे, और एक स्टूडेंट था 135 स्कोर वाला शिमला से, वो भी मेरा स्टूडेंट था। तो और भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जो क्वालिफाई किए हैं, और इस साल TGT आर्ट्स में भी एक बैच मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो अभी मेरा कोई पेड बैच नहीं चला है इस टाइम TGT आर्ट्स के ऊपर, बट आप लोगों को पेड बैच मिल जाएगा, जो 7 वाले हैं हमारे, उन्होंने बैच स्टार्ट कर दिया है TGT आर्ट्स का। थर्ड फोर्थ बैच हमारा चला है, जिसमें फर्स्ट बैच मैंने कंप्लीट करवाया था, सेकंड थर्ड और फोर्थ बैच आप लोगों का अदर टीचर के द्वारा करवाया जाएगा, बिकॉज मैं यहाँ पे क्लासेस दे रहा हूँ, और बैच जो आपका पेड रहेगा वो वहाँ पे रहेगा।
तो इनके ऊपर आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी। टाइमिंग आप लोग प्लीज़ कंफर्म कर लेना कल मुझसे बात करके, तो आप लोगों को मिल जाएंगी। बस ये होगा उसका जो थंबनेल होगा, जो आपका फर्स्ट पेज होगा वो वहाँ पे लिखा होगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और तहसील वेलफेयर ऑफिसर। तो वो आप लोगों के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि जनरल नॉलेज आप लोगों का अलग नहीं होगा, सेम ही होगा, जो आपको होगा वो ही उनको होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को नोट ये लगते हैं वीडियोस अच्छे, तो इनके नोट्स मिल जाएंगे मेरे पास, बट नोट्स मेरे पेड रहते हैं, चाहे वो हिमाचल के हों, चाहे वो करंट अफेयर के हों, या आप लोगों के जीके के हों। साइकोलॉजी के नोट्स नहीं मिलेंगे, साइकोलॉजी के आप लोगों को क्लासेज ही मिलेंगी यहाँ पे, तो प्लीज़ उनको अटेंड कर लेना। इसके बाद आप लोगों का जीके रहता है, तो जीके में आप लोगों का बिल्कुल बेसिक में जितना भी रहेगा टॉपिक आप लोगों का पूरा मैं करवाऊंगा इसमें आप लोगों को, जिसमें जीके इंडिया और वर्ल्ड लेवल के आप लोगों की रहेगी। हिमाचल प्रदेश जीके पूरा कंप्लीट होगा, फर्स्टली हम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर छोटा मोटा रहता है उसके ऊपर। करंट अफेयर के ऊपर कल से क्लासेस मिलेंगी, पूरे जो आप लोगों को करंट अफेयर आएंगे लास्ट 6 मंथ के बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो मिल सकते हैं। बट आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि पहले ही उसके पास सारे करंट अफेयर पहुँच जाएँ, तो वो आप लोग परचेज कर सकते हैं मुझसे। एवरीडे साइंस आप लोगों को मैं नहीं करवा पाऊंगा यहाँ पे, बस इसके एमसीक्यूज दे सकता हूँ, इसका एक लॉन्ग प्रोसेस में एग्जाम चलता है, सिलेबस चलता है, इसलिए एवरीडे साइंस आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी। रीजनिंग आप लोगों को मैं कंप्लीट, इसके 4 टॉपिक आप लोगों को बनते हैं, जिसमें आप लोगों का ब्लड रिलेशन होता है, नंबर सीरीज होती है, कॉर्डेड रिकॉर्डेड, और आप लोगों का डायरेक्शन का टॉपिक, वो मैं यहीं पर करवा दूंगा विद इन 3-4 डेज की क्लासेज में। सोशल साइंस आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, सोशल साइंस की क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी। जनरल इंग्लिश की मॉर्निंग 9 बजे आप लोगों की क्लास रहती है, तो प्लीज़ उसको अटेंड करना, कल से स्टार्ट होंगी स्पेशली आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ उसको अटेंड कर लीजिए। जनरल हिंदी के ऊपर भी मैं आप लोगों को क्लासेस करवा सकता हूँ, इसके ऊपर भी आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी। बट अगर आप लोग अपनी जो जो एग्ज़ाम है उसको बिल्कुल एक अच्छे वे में कंप्लीट करना चाहते हो, कि आपको एक गारंटिड आप लोगों की सक्सेस रहे, बिकॉज़ यहाँ पे जो कोर्स रहेगा आप लोगों का, उसमें मैं आप लोगों को 70% श्योरिटी दे दूंगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब आप लोगों को मैं स्ट्रेटजी की जो बात कर रहा था, आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं सबने तो तैयारी कर ली होगी, ऑलमोस्ट कोई ऐसा स्टूडेंट तो होगा नहीं जिसने अभी तक पढ़ना स्टार्ट किया होगा। बट आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया हो, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप प्रॉपर वे में इन कोर्सेज को, जो मेरा यहाँ पे फ्री कोर्स चल रहा है उसको अच्छे से फॉलो कर लोगे, तो आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप लोग उन स्टूडेंट के साथ आ सकते हैं जो स्टूडेंट लास्ट 1 साल से भी तैयारी कर रहे हैं या उससे कुछ पहले से कर रहे हैं, आप लोग उनके लेवल पे आ जाओगे, ये मेरी श्योरिटी रहेगी। बट आप लोगों को स्ट्रिक्टली 1 महीने के लिए जितने भी आपके पास दिन बचे हैं, आई थिंक 30 डेज ही बचे हैं, उसको बिल्कुल अच्छे वे में पढ़ना पड़ेगा। अब इन कोर्सेज का आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, जो फ्री कोर्स रहेगा और जो पेड कोर्स रहेगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप लोग दोनों कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरे वाला तो फ्री रहेगा, बट वो पेड कोर्स जो रहेगा वो आप लोगों का एटलीस्ट 1800 रुपये में वो पूरा मिलता है, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट कोर्स मिलता है, उसमें आप लोगों को नोट्स भी सारे मिलेंगे, उसी में आप लोगों को मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। बट यहाँ पे जो मेरे वाली साइट में आप लोग देखते हो, यहाँ पे फ्री मिलेगा, तो आप बोथ साइट से जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप लोग बोथ खरीदते हो तो बोथ में जाते हो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आप लोगों को एक श्योरिटी मिल जाएगी, जो यहाँ पे रहा होगा कवर करवाने को, वो यहाँ पे तो श्योरिटी है कि वो कवर हो गई होगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट इस साइड से आप लोगों को नहीं मिलता है या सही से नहीं मिलेगा, तो ये श्योरिटी होगी इस साइड आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक टीचर है वहाँ पे अवेलेबल, तो वो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं। तो इन कोर्सेज का आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, या जो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो एफिशिएंट नहीं है इन कोर्सेज को परचेज करने के लिए, वो फ्री क्लासेस को बेनिफिट कैसे उठाते हैं, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों की डेली जो क्लास रहेगी टोटली 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, 30 मिनट टू 40 मिनट के बीच में ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती है, बट कुछ क्लासेस होंगी जो इससे ज़्यादा होंगी। आप इन क्लासेस को बिल्कुल अच्छे से सुनिए, इनसे नोट्स बनाइए, और उसके बाद आप लोगों के पास कोई ना कोई क्लास की जीके की कोई ना कोई बुक होगी, चाहे कोई भी बुक हो आप लोगों के पास, उस बुक को पकड़िए और सेम जो चैप्टर मैंने यहाँ पे करवाया है उसी चैप्टर को रिवाइज कीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोगों के पास कोई पेपर है, कोई एमसीक्यूज है, तो देखना आप लोग जो टॉपिक यहाँ से पढ़ के जाओगे 98% आप लोगों का यहीं पे कवर हो जाएगा, और 100% अगर आप लोग जीके पढ़ लेते हो बुक से तो 100% की भी श्योरिटी है। उसके बाद एमसीक्यूज जब आप लोग कर लोगे, तो उसके बाद आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड जरूर होगा कि हाँ ऐसे करने से हमारा
कुछ हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लगेगा, बट आप लोगों का ये जो यहाँ पे जो टाइम इन्वेस्ट किया गया है, इसको वेस्ट नहीं कहेंगे आप लोग, इन्वेस्ट कहेंगे। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में मदद करेगा। एक स्टेप बाकी स्टूडेंट से आगे चलना है तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, ऐसा ही होगा आप लोगों के साथ। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं इसमें आप लोगों का स्किप करवाऊंगा, कोशिश यही रहेगी पूरा रहेगा आप लोगों का पूरा बैच और लास्ट तक करवाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, कल से एग्जीक्यूटिव और तहसील वेलफेयर का एक फ्री कोर्स चल रहा है, तो उसके साथ आप लोग साथ में क्लास अटेंड करके अपनी तैयारी कर सकते हो अच्छे से। तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, किसी तरह की कोई भी जानकारी आप लोगों को लेनी है, चाहे वो आप लोगों का पेड कोर्स है चाहे आप लोगों का फ्री कोर्स है, तो आप लोग इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी समय। 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मुझे मैसेज कर दीजिए, आप लोगों को मैं बिल्कुल गाइड कर दूंगा कहाँ से आप लोगों को कौन सा कोर्स किस जगह पे मिलेगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। कल आप लोगों की क्लास मॉर्निंग 9 बजे होगी, इंग्लिश की रहेगी, जनरल इंग्लिश की, एक एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा आप लोगों को करवाई जा रही है, जिनको एटलीस्ट 12-13 साल का एक्सपीरियंस है इंग्लिश में, तो आप लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक फ्री क्लास, पूरी कंप्लीट एक कोर्स पहली बार ही दिया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर हिमाचल में, तो प्लीज़ कॉपरेट कीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, धन्यवाद।